ओके ओके, अब देखें बात को गौर करना है। आपने इस तरह देखना है कि मीडियन, मीडियल और मीडियन को याद करने के लिए ना आपने कहना है कि जो मीडियल होगा ना, देखो उसके अंदर एंड पे एल आ रहा है, तो आपने कहना है जब ये एल आ रहा है तो इसको आपने क्या कहना है, आपका एक तरह का आपने कहना है कि ये जनाब आपकी मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट होगा। मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट इधर से अम्बिलिकल आर्टरी से, अम्बिलिकल आर्टरी से, ये एल आर्टरी से, ठीक होगा, ये आपने कहना है। उसके बाद जो अम्बिलिकल वेन होती है वो क्या बनाती है, वो जनाब आपका जो लीवर साहब होता है, वो जनाब जो अम्बिलिकल वेन कहाँ जाती है, वो लीवर के पास ही जाती है ना, ठीक हो गया। तो उधर लीवर से लीवर का याद करो, यानी कि अम्बिलिकल वेन आपको पता है लीवर के पास जाती है, तो आपने क्या कहना है, ये क्या बनाती है, लिगामेंटम टेरिस बनाती है, लिगामेंटम टेरिस एपेटस बनाती है। तो इसको आप इस तरह याद करो, मतलब हर चीज को एक याद करने का तरीका है। नोटोकोड क्या होगा, न्यूक्लियस पल्पोसिस होगा। कोई ऐसा दा बच्चा जिसको मैं समझ ना आई हो, शाबाश, एनी वन ऑफ यू। ओके जी, अब आ जाओ जी आगे, और आगे देखते हैं क्या आगे क्या है। परेशानी होना वेंट्रिकुलर सैकुलर डिफेक्ट में छाड़ देता है, वो भी आपको करना है। अच्छा जी, एनाटॉमी ऑफ हार्ट के अंदर क्या आता है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, आप कोई भी पिक्चर देख लो, ठीक हो गया। अब जितने भी पिक्चर देखोगे ना हार्ट की, तो हार्ट की कोई पिक्चर जो होंगी ना वो इस तरह नजर आएंगी कि ये जनाब आपका एक तरह का इस तरह आती है, ठीक हो गया। ये एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ये इस तरह, ये कि ये आ जाता है और ये किस तरह आता है। कोई भी अगर हार्ट की अभी आप पिक्चर देखोगे ना, तो वो जनाब इस तरह कोई ना कोई चीज निकली हुई होती है। अब ये है क्या, तीन खाने आपको नजर आ रहे होते हैं सामने, और आपको पता है कि यार दिल के तो चार खाने हैं, समझ आ रही है, आपको पता है दिल के तो चार खाने हैं, लेकिन आपको नजर कितने आ रहे होते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ तीन खाने नजर आ रहे होते हैं। अब देखो कि अगर ये आपको जो तीन खाने नजर आ रहे होते हैं उसकी रीजन क्या होती है। देखो बच्चों, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो हार्ट होता है वो इस तरह होता है, ठीक है, आपका हार्ट इस तरह होता है। अब देखें, एक आपको ये खाना नजर आता है, एक आपको ये खाना नजर आता है, और एक आपको ये खाना नजर आता है। आपसे तो अगर पूछा जाए कि ये तीन खाने नजर आ रहे हैं, चौथा कौन सा खाना है जो नजर नहीं आता, तो लेफ्ट इंटीरियर जो होता है ना, लेफ्ट एट्रियम सॉरी, वो आपका मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये आपका जो खाना होता है इसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं, इसको हम जो है वो राइट एट्रियम कहते हैं, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो आपका जो लेफ्ट एट्रियम है वो तो नजर आ नहीं रहा, तो लेफ्ट एट्रियम पता क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम इस तरह पीछे जाके छुपा हुआ होता है, पीछे जाके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और बात होती है, जस्ट बच्चों एक बात आप लोगों ने गौर करनी है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वाल्व होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वाल्व होता है, उस वाल्व को हम कहते होते हैं मिट्रल वाल्व। क्या कहते होते हैं, एक तरह का मिट्रल वाल्व, ये आपका बाइकस्पिड वाल्व। अब देखें, जो आपका मिट्रल वाल्व होता है वो जनाब एक तरह का, अगर वो स्टीनोज्ड हो जाए, स्टीनोज्ड का मतलब है तंग हो जाए। अब देखें, एक दरवाजा है, वो दरवाजा जनाब अगर तंग हो जाएगा, ठीक है, और माशाल्लाह आप है मोटे ताजे, मोटे ताजे आप लोगों को पता है कि कौन है, ठीक होगा, उससे आप अंदाजा लगा लें कि अगर आपकी क्लास के अंदर एक मोटा ताजा बंदा है और उसके बाद दरवाजा वो तंग हुआ पड़ा, वो क्या करेगा, वो बार बार जोर लगाएगा, बार बार जोर लगाएगा बाहर जाने की तरफ से। और इसी तरह जो आपका लेफ्ट एट्रियम होता है वो जनाब बार बार जोर लगाता है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्लूइड को बाहर फेंक के, जिसके नतीजे में क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो साइज में बढ़ जाता है, लेफ्ट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अब देखें, जब लेफ्ट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो लेफ्ट एट्रियम तो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है, तो भाई जब ये मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है तो इसी लेफ्ट एट्रियम पे बिल्कुल साथ ही आपकी एसोफेगस जा रही होती है, एसोफेगस जा रही होती है। ये जो लेफ्ट एट्रियम होता है जो कि ये साइज में बड़ा होता है, तो ये एसोफेगस को कंप्रेस करता है। अब एसोफेगस के अंदर क्या होता है, एसोफेगस एक खुराक की नाली है, एसोफेगस के जरिए हम खुराक खाते हैं, एसोफेगस के जरिए आपकी जो खुराक होती है वो मैदे के अंदर जाती है। लेकिन जब आपकी ये एसोफेगस होगी तो इसके अंदर क्या होगा कि एसोफेगस कंप्रेस होगी, जिसकी वजह से बंदे को खाना से इतना निगला नहीं जाएगा, पेट के अंदर जाएगा नहीं, इसको हम कहते हैं डिस्फेजिया हो गया। तो आपने क्या कहना, एक तरह का डिस्फेजिया हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद इसके बिल्कुल साथ ही आपकी एक नर्व जा रही होती है, उसको हम कहते हैं रिकरंट लरेंजियल नर्व। क्या कहते हैं, एक तरह का रिकरंट ऑफ लरेंजियल नर्व, उसका नाम होता है लेफ्ट रिकरंट लरेंजियल नर्व। अब बच्चों, जब लेफ्ट रिकरंट लरेंजियल नर्व जब डैमेज होती है, लेफ्ट रिकरंट लरेंजियल नर्व जब आपकी डैमेज होती है, तो इसकी वजह से आपकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आती है, क्या होती है, एक तरह की हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आती है।
ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कभी भी अगर आपके पास अगर एक तरह का क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन के अंदर ये लिखा जाए कि एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है विद द हिस्ट्री ऑफ द डिस्फेजिया एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ऑन एक्सरे देयर इज अ स्ट्रेट बॉर्डर इज फॉर्म्ड। मतलब क्या स्ट्रेट बॉर्डर का मतलब क्या है? तो भाई अब ये हार्ट इतना ज्यादा बढ़ गया लेफ्ट चैम्बर कि आपका ये जो आपका जो बॉर्डर है हार्ट का वो बिल्कुल सीधा आ रहा है, स्ट्रेट बॉर्डर। तो आपने कहना है कि ये क्या है, आपने कहना है या ये कह दे कि लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी देखी गई है, तो आप लोगों ने कहना है कि ये जो सिंड्रोम होता है उस सिंड्रोम का हम कहते हैं ऑर्टनर सिंड्रोम। क्लियर है? कोई बच्चा जिसको ना समझ आई हो, माइट्रल स्टीनोसिस की वजह से लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हुई। इस लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी ने रीकरंट लैरिंजियल नर्व को डैमेज किया। रीकरंट लैरिंजियल नर्व जब डैमेज हुई तो इसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हुई। और इस बिना पर रीकरंट लैरिंजियल नर्व के साथ साथ आप लोगों ने कहना है कि क्या होती है आपकी एक तरह की, और ये एक एमसीक्यू आता है कि हाँ जी जनाब लेफ्ट रीकरंट लैरिंजियल नर्व इज द ब्रांच ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग नर्व। आपने कहना वेगस नर्व। किसकी ब्रांच होती है आपकी? वेगस नर्व की ब्रांच होती है। तो देखें जी, लेफ्ट एट्रियम इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। ठीक हो गया। इनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम माइट्रल स्टेनोसिस कैन लीड टू कंप्रेशन ऑफ द एसोफेगस डिस्फेजिया ऑफ द लेफ्ट रीकरेंट लैरिंजियल नर्व ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व कॉजिंग हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ऑर्टनर सिंड्रोम। तो ये आपने कहा कि ये क्या हो गया, एक तरह का ऑर्टनर सिंड्रोम बन गया। ठीक है। उसके बाद देखें, अब मैं ये समझता हूँ, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, जितने भी आपके हार्ट के चैम्बर हैं उनमें से सबसे द मोस्ट इंटीरियर जो चैम्बर होता है वो कौन सा होता है? जो सबसे सामने होता है वो कौन सा होता है? शाबाश, जो सबके सामने होता है वो कौन सा होता है? आप लोगों ने कहना राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल सबसे सामने होता है। ठीक हो गया। अब देखो मैं इसको बनाता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपका लेफ्ट एट्रियम है ना बच्चों, ये इस तरह आपका कुछ बनता है। ठीक हो गया। तो आपका ये जनाब, आप लोगों ने कहना ये राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट एट्रियम तो होता ही पीछे है। तो आपका जो मोस्ट सामने होता है, द मोस्ट वाइडेस्ट चैम्बर इन द हार्ट इज अ राइट वेंट्रिकल। तो बच्चों जब ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये पता काम क्या करता है? यहाँ पे आपका फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसके डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो कभी भी अगर आपके क्वेश्चन आ जाए, कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि हाँ जी विच ऑफ फॉलोइंग चैम्बर इज हैव द हाईएस्ट चांस ऑफ द डैमेज इन एनी ट्रॉमा, तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब राइट वेंट्रिकल इज द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, सो इट हैज द हाईएस्ट चांस ऑफ द इंजर्ड इन एनी ट्रॉमा। क्लियर है बच्चों? तो ये जनाब आप लोगों का आगे ये भी क्लियर हो गया, आप लोगों को पता होना चाहिए ये जनाब, ये भी गया। अब हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि। तो देखो जी, राइट वेंट्रिकल इज द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट एंड मोस्ट कॉमन इंजर्ड इन ट्रॉमा। तो ये आप लोगों ने देख लिया। आगे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आपके जो हार्ट को जो कवर कर रही होती है लेयर, उसका नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम। तो आप लोगों ने ये कहना है कि हार्ट को कवर करने वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते होते हैं? एक तरह का पेरिकार्डियम कहते होते हैं। ठीक है। अब देखें, अगर ये आपका एक तरह का हार्ट है, ये आपका एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है, आप जस्ट इमेजिन करें, आप लोगों ने ये कहना है कि यार इसके साथ इस तरह एक लेयर होती है, आप इसको एक बार चलो कट कर दें, एट्रियम वेंट्रिकल का पार्ट अगर लेते हो, आपको पता होना चाहिए कि जो इसको जनाब एक तरह की कवर करती होती है इसका नाम क्या होता है? एक तरह का पेरिकार्डियम होता है। ठीक है। अब आप लोगों ने कहना होता है कि बाहर से अंदर की तरफ जब हम आते हैं तो पेरिकार्डियम की कितनी लेयर होती है? पेरिकार्डियम की होती है बेसिकली, मतलब कि वैसे तो आपका ये तीन लेयर्स होती है, कितनी होती है? एक तरह का तीन लेयर होती है। आपको हम कैसे डिवाइड करते होते हैं? तीन कैसे कहते हैं? वैसे दो ही होती है जैसा कि जैन ने बताया, लेकिन इसको हम तीन के अंदर डिवाइड करते हैं, वो कैसे? देखो आप लोगों ने कहना है कि पहली सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होती है वो थिक होती है, वो जनाब सख्त होती है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब आप लोगों की होती है सीरस पेरिकार्डियम। अब आपने कहना जो सीरस पेरिकार्डियम होती है इसको हम फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन से दो पार्ट्स होते हैं? जो आपका सीरस पेरिकार्डियम होती है इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं जनाब आपकी पराइटल पराइटल लेयर, एक को हम कहते हैं विसरल लेयर। अब दूसरी बात आप लोगों ने कहना है कि पराइटल और विसरल के दरमियान में क्या होती है? एक स्पेस होती है। कहते एक तरह की पराइटल और विसरल के दरमियान में क्या होती है? एक तरह की स्पेस होती है सीरस पेरिकार्डियम पे। ये जो स्पेस होती है इस स्पेस को हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या कहते हैं? एक तरह का पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। और इस स्पेस के अंदर फ्लूड आता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड। और गालू समझे कि नहीं समझे? आप लोगों ने कहना है कि पेरिकार्डियम जो होती है वो जनाब आपके हार्ट को कवर करती है। सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है उसको हम फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते होते हैं, अंदर जो होती है उसको हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। सीरस पेरिकार्डियम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होता है पराइटल सीरस पेरिकार्डियम, एक होता है विसरल सीरस पेरिकार्डियम। जो पराइटल होती है वो बाहर की होती है, जो विसरल होती है वो अंदर की होती है। जो पराइटल होती है उसके बारे में आपने कहना है कि हाँ जी जनाब वो अंदर जो होती है उनके दरमियान में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी। और उसके दरमियान में फ्लूड होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड। ठीक हो गया बच्चों? ये आपने याद करना है।
अब देखिए बच्चों, आपको को ये पता होना चाहिए कि जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है, इसको जो नर्व इनर वेट करती है, उसको हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व। क्या कहते हैं? एक तरह का फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व जो होती है वो जनाब आपकी एक तरह की इनर वेट करती होती है। ठीक हो गया। अब जस्ट इमेजिन करें, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को पेरिकार्डाइटिस हो जाए, यानी कि आपकी एक तरह की पेरिकार्डियल की इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इसकी जो दर्द होगी वो कौन लेके जाएगी, किससे आपको पता चलेगा? आप लोगों ने कहना है फ्रेनिक नर्व से पता चलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है कि फ्रेनिक नर्व की जो रूट वैल्यू है वो क्या है। शाबाश, किसी बंदे को पता है फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू? आप लोगों ने कहना C3 से लेकर C5 तक, यानी कि C3 C4 C5 होती है। ठीक है। मोस्ट आपका जो एमसीक्यू आता है, जो पेरिकार्डाइटिस का एमसीक्यू आता है, उसको हम इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पेरिकार्डाइटिस के एमसीक्यू के अंदर बच्चों कभी भी आपका एमसीक्यू आएगा तो उसके अंदर एग्जामिनर ये कहते हैं, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ द विद हिस्ट्री ऑफ द चेस्ट पेन विच इज एग्रीवेटेड ऑन इनहेलिंग और ऑन इंस्पायरेशन, ठीक है, एंड रिलीव्ड ऑन द बेंडिंग पोजिशन। मतलब कि पेरिकार्डियम की जो पेन होती है ना, वो आपने कहना है कि जब बंदा जोर से सांस अंदर की तरफ लेता है तो दर्द ज्यादा होती है, लेकिन जब बंदा उठ के बैठ जाता है थोड़ा सा बेंड होकर, तो उस वक्त ये दर्द कम होती है। और ये आपने कहना है कि फ्रिक्शन रब साउंड आप सुनते हो, तो ये क्या डायग्नोस है? आप लोगों ने कहना कि ये पेरिकार्डाइटिस है। क्लियर है। और इसके अंदर ECG के अंदर आप देखते हो ST डिफ्यूज एलिवेशन, ST डिफ्यूज एलिवेशन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, हम डिफ्यूज ST एलिवेशन इसके अंदर देखते होते हैं। तो ये बच्चों था पेरिकार्ड के बारे में, इसी के बारे में इतना सारा कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हो। तो यहाँ पे क्या है जनाब, तीन लेयर्स होती हैं, फाइबरस पेरिकार्डियम होती है, पैराइटल सीरस होती है, विसरल सीरस होती है। पेरिकार्डियम लाइज जो होती है वो दोनों के दरमियान में करती है, इनर वेट जो होती है वो फ्रेनिक नर्व करती होती है। उसके बाद आपने कहना पेरिकार्डाइटिस कैन कॉज द रेफर्ड पेन टू द नेक एंड द शोल्डर, मतलब कि ये होती है आर्म और शोल्डर की तरफ पेन लेके जाती है। तो बाकी 10 मिनट रह गए, ठीक है, हम लोगों ने 1 घंटा 20 मिनट पढ़ लिया है। ओके, क्योंकि क्लिनिकल की क्लास है 9:30 के ऊपर, और किसी बच्चे का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं, बाकी इंशाल्लाह क्लिनिकल क्लास के अंदर वाले जो है ना वो देख लेते हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह आपकी जो है ना एनाटॉमी और एम्ब्रियो ये खत्म है, बल्कि रह क्या गई है, कुछ भी नहीं, ये आगे तो फिजियो शुरू हो गई है। कल इंशाल्लाह हम आपकी फिजियो भी शुरू करते हैं। आप लोग ना रेडी शेडी होना है, आज हमने जो पढ़ा है ताकि फीटल सर्कुलेशन का पढ़ा है, आज हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी कर ली है आपकी, एट्रियल सेप्टल की कैसे बनता है, उससे क्या क्या चीजें बनती हैं वो कर ली है, हार्ट की एनाटॉमी की थोड़ा बहुत पोर्शन किया है। तो कल इंशाल्लाह जो है वो ब्लड सप्लाई आ जाएगा आपका, और आपका सिंपल वेंट्रिकल का जो ये सिस्टम है, और उसके बाद जो है वो फिर आपका फिजियो आ जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। अब 10 मिनट मैं थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ, फिर मैंने दूसरा सेशन जो है उसको कंटिन्यू करना है। बाकी ये मानुल्ला, अल्लाह हाफिज और टेक केयर।